बॉलीवुड की मशहूर गायिका कनिका कपूर के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। कनिका के खिलाफ शुक्रवार रात को लखनऊ में FIR दर्ज कर ली गई है। लखनऊ के पुलिस कमिश्नर सुरजीत पांडे ने कहा है कि ये FIR सरोजिनी नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई। पांडे ने न्यूज एजेंसी PTI को बताया है कि कनिका के खिलाफ IPC की धारा 269 खतरनाक बीमारी का संक्रमण फैलाने सहित दो अन्य धाराओं में FIR दर्ज की गई है। ये FIR लखनऊ के मुख्य मेडिकल अफसर की शिकायत पर दर्ज की गई है। कनिका के खिलाफ हजरतगंज पुलिस स्टेशन पर FIR होने की बात भी कही जा रही है। कनिका 9 मार्च को लंदन से लखनऊ लौटी थी। जानकारी मिली है लखनऊ में वो एक पूर्व सांसद के घर पर रखी गई डिनर पार्टी में शामिल हुई थी। कनिका के बारे में कहा गया है कि लखनऊ लौटने के बाद वे 3-4 पार्टियों में शामिल हुई थी और 300 से 400 लोगों के संपर्क में आई है। कनिका ने रविवार को लखनऊ में एक पार्टी भी रखी थी और इस पार्टी में उत्तर प्रदेश के कई बड़े नेता अफसर भी मौजूद थे। उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य मंत्री भी इस पार्टी में मौजूद रहे। कनिका ने सफाई देते हुए कहा कि वो एयरपोर्ट पर नियमित प्रक्रिया से होकर गुजरी थी। कनिका ने कहा, मैं 10 दिन पहले भारत आई थी और मुझे 4 दिन पहले ही बीमारी के लक्षण दिखे। फिर मैंने अपना टेस्ट करवाया और ये कोरोना पॉजिटिव आया है। मैंने और मेरे परिवार ने खुद को पूरी तरह से अलग कर लिया और हम मेडिकल सलाह ले रहे हैं। कनिका कपूर के पिता राजीव कपूर ने चैनल से बात करते हुए कहा कि कनिका 9 मार्च की रात को लंदन से लौटी थी और एक दिन मुंबई रुकने के बाद वो 11 मार्च को लखनऊ आई थी। तब से वो लखनऊ में ही थी और ठीक थी, लेकिन पिछले 2 दिन से कनिका को हल्का बुखार था, खांसी थी और नाक से पानी बह रहा था, इसीलिए हमने डॉक्टर से उनका टेस्ट करवाया। शुक्रवार सुबह हमें पता चला कि वो कोरोना पॉजिटिव है। हमें डॉक्टर ने सलाह दी कि उन्हें PGI में आइसोलेशन में रखा जाए। तो आप भी स्वस्थ रहे और बाकी लोगों को स्वस्थ रहने में मदद करें। देश की राजनीति की हर खबर सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करें देशनीति को और खास नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं।